हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो मेन चैनल है जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स, उस पर हम लगभग पिछले 1.5 साल से वीडियोस बना रहे हैं, जैसा कि आप जानते भी हो। एंड जैसे ही लॉकडाउन हुआ था हमारा फर्स्ट वाला, जो मार्च 2020 में हुआ था, ठीक है, तो वहाँ से हमने इस चैनल की शुरुआत की थी, ताकि जो मेरा मानना था कि जो बच्चा पढ़ नहीं सकता बाहर जाके, उसको हम प्रोवाइड कर सके। लेकिन क्या होता है ना, जब कुछ चीज़ें अच्छी होती है तो उसके पीछे कुछ बुरी चीज़ भी आती है, करेक्ट है ना? ये बात आपने देखा भी होगा। तो हुआ ये था कि लगभग पिछले 1.5 साल से मैं कंटिन्यूसली आप लोग के लिए वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसके सिलसिले में मुझे घर पे ही रहना पड़ता। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, हमारा पहला व्लॉग सेटअप टूर मैंने दिखाया था, तो ये मेरा कमरा है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था कि यहीं पर मैं वीडियोज़ को शूट करता हूँ, वीडियोज़ को रिकॉर्ड करता हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। तो बेसिकली हुआ होता यह है कि हम जब भी वीडियोस बनाते हैं हम घर पे ही रहते हैं, यानी कि जो मेरा बेडरूम है उसमें ही मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, आपके लिए एडिट करता हूँ, और साथ ही में यहाँ पे ही जो भी खाना होता है पीना होता है सब इधर ही होता है, ठीक है ना? तो होता ये है यार कि 1.5 साल से अगर कोई बंदा जब पूरा दिन घर पे बिताता है और पूरा टाइम आपके लिए डेडिकेशन के साथ वीडियोज़ बनाता है, तो उसकी हेल्थ ख़राब होने लगती है। और जैसा कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले, शायद मैंने JR ट्यूटोरियल्स चैनल पर बताया भी था आपको कि यार मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है, क्योंकि यार मैंने ना, सही बोलूँ तो मैंने कभी भी अपने फिटनेस के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जितना एक्चुअल में देना चाहिए, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो बेसिकली बात ये है कि जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार सच में मेरी हेल्थ ख़राब हो रही है, मेरे इंटरनली प्रॉब्लम हो रही है, कभी थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, कभी मुझे कफिंग प्रॉब्लम हो रहा है, मेरी जो पॉस्चर है, मेरी जो बॉडी, आप देखोगे यहाँ पे, मतलब अभी तो क्लियर आपको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरी जो बॉडी है काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई, कंपैरेटिवली काफ़ी पतला हो चुका हूँ और मसल लॉस भी हो चुका है। तो यार ये सब चीज़ को अभी मुझे ओवरकम करना पड़ेगा। तो मैंने ये डिसाइड किया है, जब मैंने मेरे भैया एक, ठीक है, फ्रेंड जैसे ही है, तो उनसे जब मिला, मुलाकात की, तो उन्होंने भी मेरे को वही सजेशन दिया कि यार अभी आप फिटनेस पर ध्यान नहीं दोगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, और मैं ये नहीं चाहता कि अगर मेरी फिटनेस ख़राब हो जाए तो आप लोग के लिए जो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ वो रुक जाए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इसके लिए मैंने अब से डिसाइड किया है कि आप लोग के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ जिमिंग। अब जिमिंग क्या है, वी नो दैट कि हमें एक्सरसाइज की काफ़ी ज़्यादा जरूरत होती है, बट ड्यू टू लॉकडाउन बहुत सारे लोग घर पे फंसे हुए हैं, जिम नहीं जा पाते हैं। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि जिम वगैरह सब ओपन हो चुके हैं, ठीक है, थोड़ा रिलैक्सेशन मिल चुका है लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस में, तो हमने डिसाइड किया है कि हम जिम ज्वाइन करने वाले हैं, सो दैट यार हमारा जो फिटनेस लेवल है और हमारे जो अंदर एनर्जी है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा उभर के आए। एंड जैसे ही वो उभर के आएगी, तो जब मैं फिट रहूँगा तो आप लोग के लिए जो वीडियोस रहेंगे ना, वो कभी भी ब्रेक नहीं होंगे, और आप लोग के लिए वीडियोस मैं कंटिन्यूसली डालता रहूँगा। क्योंकि यार एक कहावत है ना कि अगर इंसान फिट रहता है ना तो वो ज़िंदगी में कोई भी काम कर सकता है, लेकिन अगर वो फिट नहीं रहेगा तो यार ज़िंदगी में कोई काम नहीं कर पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है लाइफ में वो होती है दोस्तों हेल्थ। तो दैट्स वाई आई हैड डिसाइडेड कि आज से मैं जिम ज्वाइन करने वाला हूँ, और आप लोग के लिए एक खुशखबरी ये बताऊँगा कि यार जिम तो ज्वाइन करूँगा, लेकिन साथ में आप लोग को मैं डेली व्लॉग्स भी अब से प्रोवाइड करने वाला हूँ। उसमें से मेनली जो कंटेंट रहेंगे वो जिम्स के भी रहेंगे, कि मैं जिम में जाके कैसे एक्सरसाइज करता हूँ, सो दैट, क्यों कर रहा हूँ मैं, सो दैट कि यार आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि यार आप लोग भी, मैं भी बिगिनर हूँ, ठीक है ना, मैंने बहुत 1.5-2 साल पहले जिम किया था, थोड़ा बहुत किया था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं किया था, लेकिन अब से मैं रेगुलर जिम करने वाला हूँ। मेरे भैया है, वो भी आपको मैं इंट्रोड्यूस करवा दूंगा उनको आने वाले टाइम में, तो वो मुझे गाइड करने वाले हैं, ट्रेन करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। तो वो कैसे होगा, क्या होगा, आपको सब इस व्लॉग के माध्यम से, आने वाले व्लॉग के माध्यम से पता चलता रहेगा। तो आप बस बने रहो हमारे साथ, किस प्रकार हम ट्रांसफॉर्म होते हैं, और साथ ही में जो भी बच्चा इंटरेस्टेड रहेगा ना कि यार आपको भी मतलब रेगुलर एक्सरसाइज कैसे करना है, क्या करना है, वो पता चलना चाहिए ना, तो आप हमारे व्लॉग्स डेली देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और साथ ही में हम डेली एक्टिविटीज़ क्या करते हैं वो भी चीज़ हम पूरा बनाने की कोशिश करेंगे। और आप लोग को एक और चीज़ बता दूँ कि आप लोग के जो रेगुलर वीडियोज़ आते हैं ना, लेक्चर वाले वीडियोज़ जो JR ट्यूटोरियल्स चैनल पर हम डालते हैं, वो भी ब्रेक नहीं होगा दोस्तों, टेंशन मत लेना, हर चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए तो हम जिम ज्वाइन कर रहे हैं, सो दैट यार एनर्जी मेंटेन रहे, सो दैट हम फिट रहे, और आपके लिए ऐसे ही कंटेंट रिकॉर्ड करके लाते रहे, और आपको थोड़ा सा एंटरटेन भी करते रहे, ठीक है। तो बस बने रहो इस व्लॉग में, आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है आपको, ठीक है। हे गाइस, तो फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं यहाँ पे, एंड अभी हम लोग निकलेंगे जिम की तरफ। देखते हैं कोई ऑटो मिलता है तो ऑटो से डायरेक्टली जाएंगे, या तो फिर देखते हैं जैसा भी रहेगा। तो अभी घर से निकल रहा हूँ मैं, रेडी हो चुका हूँ, एंड सीधा अभी आपको जिम में लेके जाऊंगा एंड वहाँ पे दिखाऊंगा, एंड देखते हैं कि किस प्रकार एक्सरसाइज हम करते हैं एंड क्या होता है फर्स्ट डे जिम का। हम भी एक्साइटेड है और उम्मीद करता हूँ कि आप भी एक्साइटेड होगे, तो चलो फटाफट से देखते हैं क्या होता है। Hey guys, तो फाइनली हमें ऑटो मिल चुका है एंड अभी हम लोग सीधा जा रहे हैं जिम की तरफ, देखते हैं वहाँ पर जाके क्या होता है। भाई अभी आएंगे वहाँ पर मिलेंगे डायरेक्टली उनसे, एंड डायरेक्टली फिर वहाँ पर जिम लेके चलूँगा आप लोग को, एंड दिखाऊँगा कि कैसा होने वाला है हमारा आज का फर्स्ट वॉकिंग डे इन द जिम। Let's see what will happen. बस बने रहो हमारे साथ।
ओके गाइस, हम आ चुके हैं यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अभी सीधा जिम में मिलेंगे, तो जिम जहाँ पे है वहाँ पे अभी हम नीचे खड़े हुए। और जो भैया के मैं जिक्र कर रहा था वो ये है, ही इज़ प्रदीप गिरी, मैं तो भैया बोलता हूँ प्यार से, मेरे फ्रेंड के भाई है, बड़े भाई है, तो मेरे लिए तो भैया ही हुए, तो मैं भैया ही बोलता हूँ। एंड इनके बारे में अगर मैं बताऊँ आपको तो धीरे धीरे पता चल जाएगा, लेकिन ये एक वेल एजुकेटेड टीचर भी है एंड बहुत ही अच्छा इनका ऑफलाइन एक क्लासेस भी है, और ये ऑनलाइन भी टीच करते हैं। आगे बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में आपको पता चलती रहेगी, आप मेरे साथ बने रहो। और हम कैसे जिम करने वाले, क्या करने वाले हैं, ये भैया मुझे ट्रेन करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब इनके चैनल पे भी आएगा, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में डाल के, तो सब चीज़ धीरे धीरे पता चल जाएगा। ओके, तो भैया भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो देखते हैं क्या बोलते हैं। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राहुल जब मुझसे मिला तो मतलब भाई जिम भी ज्वाइन कर लेते हैं, दिन भर लगा हुआ है, आपके लिए कंटिन्यू वीडियो बना रहा है, क्योंकि आपको पता है इनके चैनल पे 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th मतलब महाराष्ट्र बोर्ड के सभी जितने भी वीडियो से मतलब जो भी वीडियो, जैसे अभी ऑफलाइन क्लास में आप लगाओगे तो आपको अच्छा खासा फीस देना पड़ता है, क्योंकि मेरा ऑफलाइन क्लास भी है, मुझे पता है। सो ये बंदा दिन भर कंटिन्यू वीडियो बना के आपके लिए इतना हार्ड वर्क करता है, तो जब ये मुझसे मिला, क्योंकि हम लोग का रिलेशन बहुत पहले से, क्योंकि जो ये राहुल है ये मेरे छोटे भाई का क्लासमेट है, तो दोनों अच्छे खासे दोस्त हैं, तो इनके थ्रू मैं इनसे मिला। और मिलने का मैंने बोला भाई चलो थोड़ा बहुत बॉडी मुझे थोड़ा बहुत पता है, तो साथ में आपको ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ, तो मेरे चैनल पर राहुल का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा 30 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा, और बाकी तो राहुल साथ में है ही। तो ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली भैया के आपने वर्ड्स सुने, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन वाले वर्ड्स होते, तो इन्होंने मेरे को मोटिवेट कर दिया है कि मैंने जैसे बोला कि मेरा हेल्थ काफ़ी ख़राब हो चुका है एंड बॉडी भी ख़राब हो चुकी है, तो पूरा इंप्रूवमेंट की जिम्मेदारी भैया ने ले ली है। एंड वो जो चीज़ें जो है, वो जो चीज़ें हैं वो आपको भैया के चैनल पर भी देखने मिलेंगी, छोटी छोटी क्लिप्स हमारे ब्लॉग के थ्रू भी आपको देखने मिलेंगे, और भैया के चैनल जो है फिटनेस का, ब्लॉगिंग का, उस पर भी आपको देखने मिलेगा। तो आप बस बने रहो हमारे साथ, जो चीज़ें होगी वो मैं आपको कंटिन्यूसली बताते रहूँगा, तो आगे आगे पता चल जाएगा। राहुल अभी 30 डेज के बाद देखना राहुल का ट्रांसफॉर्मेशन, हम वीडियो लेके रखेंगे आज का फोटो और 30 डेज के बाद का। तो चलो अभी फाइनली जिम की तरफ चलते हैं एंड देखते हैं क्या है, कैसा है जिम एंड वहाँ पे कैसे हम लोग वर्कआउट करने वाले हैं, ये सभी चीज़ आपको पता चलेगा, तो बस बने रहो एंड कंटिन्यूसली आपको मिलती रहेगी। ओके, सो गाइस हम फाइनली आ चुके हैं जिम में, एंड जैसा हमने बोला था कि आज से हम लोग वर्कआउट स्टार्ट करने वाले हैं, डे 1 होने वाला है, तो भैया जो है वो ट्रेन करेंगे मुझे, तो भैया आज क्या करने वाले हैं सबसे पहले बता दो। सो गाइस, मैंने अपने वीडियो में थोड़ा बताया हुआ है कि जैसे राहुल 1.5 साल पहले वर्कआउट करता था, और हार्डली मुझे लगता 3-4 महीने किया था, और जो किया था वो राहुल ने जिस तरह से मुझे बताया ना करने के बराबर ही था, तो इसीलिए जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसके अंदर अराउंड 20 मिनट जो मिक्स वर्कआउट करवाने वाला हूँ, फिर 20 मिनट्स के बाद एक स्पेशल पार्ट पे मैं फोकस करने वाला हूँ। जनरली क्या करते हैं लोग मिक्स वर्कआउट में, बिगनर को पूरा वर्कआउट, पूरे बॉडी का वर्कआउट करवाते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करवाऊंगा, मैं थोड़ा अलग टाइप का वर्कआउट करवाऊंगा, क्योंकि राहुल ने ऑलरेडी किया हुआ है, तो 20 मिनट्स मिक्स वर्कआउट, देन 20 मिनट्स के बाद एक स्पेशल बॉडी पार्ट पे मैं स्पेशल वर्कआउट करवाने वाला हूँ। ओके, सो गाइस वैसे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 30 डेज में कुछ तो चेंज दिखाई देगा, कंटिन्यूसली आपको मिलते रहेगा। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको कि हमारा जिम कैसा है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस, एंड जहाँ पे मैं रहता हूँ जो बोईसर लोकेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि यार बोईसर का सबसे बेस्ट जिम है, क्योंकि यार देख सकते हो इतना ज़्यादा स्पेस है, इतने ज़्यादा अच्छे मॉडर्न इक्विपमेंट्स कहीं मुझे देखने नहीं मिले, जहाँ तक मैं जहाँ पे भी गया हूँ आज तक मुझे देखने नहीं मिले, तो मुझे काफ़ी बेटर लगा। एंड अभी हम लोग वर्कआउट स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, कुछ कुछ क्लिप्स आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, एंड कंप्लीट जो क्लिप्स रहेंगे, कंप्लीट जो डिटेल रहेंगे, वो भैया के चैनल पे देखने मिलेंगे, मैं भैया के चैनल का जो लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको देखने मिल जाएगा, तो उसको भी जाके विजिट कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? ओके, तो फाइनली बहुत सारे वर्कआउट कर लिया हम लोग ने, और आज बेसिकली जो किया है वो शोल्डर प्रेस किया है भैया ने, काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करवा दिया, हालत ख़राब हो चुकी है जैसा कि आप देख सकते हो, पूरा पसीना पसीना हो चुका है, हाफ ही हुआ है अभी, हाफ हुआ है, 50% आज का हुआ है, एंड बाकी चीज़ भी कंटिन्यू करेंगे हम लोग, आपको जैसे कि छोटे छोटे क्लिप्स तो देखने मिल जाएंगे, एंड पूरा जो वर्कआउट है वो भैया के चैनल पर देखने मिल जाएगा, तो वो भी आप चेक कर लेना जाके। आवाज़ थोड़ा सा बैठ चुका है क्योंकि एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है अभी, ठीक है? तो बस वही सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, तो कंटिन्यू बने रहो हमारे साथ, बहुत सारी चीज़ ऐसे ही मिलती रहेगी।
सो गाइज फाइनली आज का जो वर्कआउट है वो हो चुका है एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो वर्कआउट के बाद सबको करना चाहिए जो कि है स्ट्रेचिंग. तो स्ट्रेचिंग हम फाइनली करेंगे, भैया बताएंगे कैसा करना है. जनरली गाइज स्ट्रेचिंग लोग भूल जाते हैं. मैं भी स्टार्टिंग में, जब मैंने स्टार्टिंग में जिम वर्कआउट स्टार्ट किया था तो मैं भी भाग जाता था क्योंकि मसल जब वर्कआउट होने के बाद मसल पंप हो जाता था तो ज़्यादा अच्छा दिखता है. बट स्ट्रेचिंग के बाद वो कैसा हो जाता है कि जो पंप गायब हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं फटाक से भाग जाता था. तो बाद में मुझे पता चला, कुछ सालों के बाद पता चला यार सबसे बड़ा गड़बड़ कर रहा था मैं. तो ये आप मत करना. तो स्ट्रेचिंग अभी करेंगे फिर सीधा आज के लिए हो जाएगा, सीधा घर पे जाएंगे एंड ब्लॉग को एंड करेंगे. ठीक है, तो बस बने रहो, लास्ट का थोड़ा सा पार्ट है, देखते रहो. ओके फाइनली हमारा वर्कआउट जो है वो हो चुका है एंड आज के लिए हमारा जो डे वन था वो यहाँ पे आके कंप्लीट होता है. बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लिया, अच्छे से कर लिया डे वन के हिसाब से. तो आज यहाँ पे हम लोग ब्लॉग को समाप्त करते हैं. तो आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना. तो मिलते हैं हमारे अगले ब्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय.